पर साधन आ ही नहीं रहा है। क्या हुआ थोड़ा बताएं, आपके साथ क्या घटना हुई? सर मैं घर से निकला सर 25 तारीख को, तो मेरे को रास्ता में रोक के मारा। किसने मारा? ये राजू ने और उसके भाई ने मारा। क्यों मारा आपको? क्या मालूम सर, उनसे पूछे कि क्यों मारा सर, वो जीने नहीं देंगे कैसे। तो क्यों, मतलब आपका चुनाव वाला मामला है क्या? मामला चुनाव का है सर, वो है कांग्रेस, ये वो है जनता पार्टी का, और मैं कांग्रेस का हूँ। थाने में गए तो कोई सुनते नहीं सर। तो आपका चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? कहीं नहीं, चुनाव लड़ी थी मेरी पत्नी घर से। अच्छा, तो आप क्या जीते क्या हारे? जीत गए सर। तो कितनी बार आपके साथ मारपीट हुई? एक बार हुई सर। अच्छा, ऐसे तो रोज चलो पूरा पार्टी करते गाली बकते, उनके सरपंच की लुगाई को, सरपंच की उनके पार्टी के लोग 50-100 लोग आ जाते हैं। आप सरपंच, आपके साथ तो कुछ गलत हरकत नहीं हो रही है? मतलब मारपीट है आपके साथ कुछ ऐसा? और फिर कल ये 24 तारीख को सर्कल का चुनाव हुआ था, तो एक दिन पहले उन्होंने गोली दे दी थी, पंचे उनको पांच पंचे जाएंगे टांग तोड़ के फेंक देंगे। और कौन बोल राजू बन गए, फिर सरपंच के चुनाव बनने बने बने 24 के पहले एक दिन बोला था। ठीक, फिर सर चुनाव भी हो गया, घर आ गया, फिर उनकी पार्टी के 10-15-25 लोग घर के पास, फिर वोट गाड़ी गुप्ता की कहीं लुबाई के रख लेंगे और राम पार्टी करते, फिर भी हम मान गए, फिर भी पुलिस को लेकर भैया बताएं, आज एक जो कांग्रेस समर्पित जो सरपंच थे उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार की उन्होंने घटना की शिकायत की, कुछ क्या कहेंगे आप? मैं अभी मेरी जानकारी में जैसे ही आया कि कांग्रेस के सरपंच के साथ मारपीट की गई है, तो मैं यहाँ पर कलेक्टर परिसर में आया हूँ। और जैसा कि ये नीम खेड़ा जो बागली के अंदर लगता है, थाना क्षेत्र अपना उदयनगर है, तो यहाँ पे जो चंदा भाई सरपंच चुनाव जीती है, जिनको जनता ने चुनाव जिताया है, ये जनता का फैसला जिसको सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग और जो लोग बीजेपी के हैं जो चुनाव हारे हैं, वो रंजिश निकालते हुए इनके साथ मारपीट करने का उतारू, और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आज भटके इन लोगों को लेकर यहाँ कलेक्टर आए हैं। जहाँ पे कलेक्टर साहब से बात हुई है, तो यहाँ पे से कलेक्टर साहब ने फ़ोन भी लगाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है।